नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। दोस्तों सुमित और श्लोक इस समय भाग चुके हैं, लेकिन दोस्तों उनका भागना ना भागना एक रहा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी जो सोल्जर हैं उन्होंने जाके उनको इस समय जंगल में पकड़ लिया है। और जंगल में पकड़ने के बाद में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि श्लोक के कनपट्टी पर इस समय गन को लगा दिया है, बोल दिया है कि अगर सुमित खुद को बम से उड़ा देती है तभी हम श्लोक को छोड़ेंगे, नहीं तो हम श्लोक को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इस समय ये पूरी की पूरी करतूत जो चल रही है ये नाज करा रही है, और पाकिस्तानी जो पुलिस है, फौज है, वो लगातार भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचने की कोशिश होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए घना ही ज़्यादा ट्विस्ट लेकर आती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सुमित ने साफ साफ बोल दिया है कि इतना तो कन्फर्म है कि हम इंडिया जाकर रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। क्योंकि दोस्तों सुमित अपनी माँ की तरह है, मीत की तरह, जैसे मीत नहीं हारती थी वैसे ही सुमित भी किसी भी तरीका से अपने इरादों में ना ही हार मानती है और ना ही उसका हार मानने का कोई रीजन पैदा होता है। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मायनों में बेहद ज़्यादा खास देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए इस श्लोक की, तो इस श्लोक बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि सुमित तुम चाहो तो भाग सकती हो, जिसके बाद में सुमित ने बोल दिया है कि इस श्लोक तुमको क्या लग रहा है कि मैं ऐसे किसी को छोड़ सकती हूँ, ये मेरा मिजाज नहीं है किसी को छोड़ने का, क्योंकि मैं हमेशा सबके साथ खड़ी हूँ और तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हारे साथ मैं क्यों नहीं खड़ी होंगी। आप लोग जानते ही हैं कि सुमित का दिल वाकई में इतना अच्छा है कि वो इस समय किसी भी तरीका से साथ नहीं छोड़ने वाली, बल्कि इस श्लोक को सही सलामत इंडिया भी लेकर जाएगी, क्योंकि उसने वादा किया था इंडिया में लोगों से कि हाँ मैं पाकिस्तान जाकर अपने इस श्लोक को सही सलामत वापसी लेकर आऊँगी, ये मेरा वादा है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।